हम सभी लोग रॉकिंग स्टार यश की यश 19 फिल्म को लेकर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रॉकिंग स्टार यश की केजीएफ 2 फिल्म सफलता के बाद इनका फैंस फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ गई है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी और केजीएफ 2 फिल्म लोगों के बीच अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अभी भी केजीएफ फ्रेंचाइज के तीसरा पार्ट को लेकर लोग काफी एक्साइटेड है, क्योंकि इस फिल्म में VFX और फाइट एक हॉलीवुड मूवी की तरह देखने को मिला था। अब इसके बाद रॉकिंग स्टार यश की एक और बड़ी फिल्म यश 19 मूवी आने वाली है। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि बहुत ही जल्द इस फिल्म के ऊपर काम शुरू किया जाएगी और यश ने यह भी प्रचार किया है कि इस बार एक बड़ा प्रोजेक्ट के साथ लोगों के सामने आने वाले हैं। इसी खबर को सुनकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रॉकिंग स्टार यश की कोई भी फिल्म हो कड़ी मेहनत करके फिल्म को हिट कराने में दम रखते हैं। वही बात करें इस फिल्म को साउथ की जाने माने डायरेक्टर में से एक गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। गीतू मोहनदास बोलने से इनको केरला स्टेट अवार्ड भी मिल चुकी है। ये सिर्फ डायरेक्टर नहीं बल्कि एक इंडियन फिल्म के एक्टर में भी शामिल है। अब इस बार रॉकिंग स्टार यश ने डायरेक्टर गीतू मोहनदास के साथ काम करने वाले हैं, क्योंकि यश ने कोई भी फिल्म हो सोच समझ के साइन करते हैं। अब यश 19 फिल्म को लेकर कई बड़ी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें इस फिल्म में हमें मेन लीड रोल में रॉकिंग स्टार यश को देखने को मिलेंगे ही और बाकी की स्टार कास्टिंग को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। पर सुनने को मिल रहा है कि यश 19 फिल्म में इस बार फीमेल के रोल में पूजा हेगड़े को देखने को मिलेगी करके खबर आ रही है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि इस फिल्म में पूजा हेगड़े को देखने को मिलेगी या नहीं। जब तक इस फिल्म की एक ट्रेलर नहीं आती तब तक इस फिल्म में कौन रहने वाले हैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे ट्रेलर रिलीज होगी उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर यश 19 फिल्म में कास्टिंग क्या होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म की कास्टिंग काफी बड़े लेवल में देखने को मिलेंगे, इसलिए कि इस फिल्म की बजट भी बहुत ज्यादा है। यश 19 फिल्म को लगभग 400 करोड़ के बजट में फिल्म को बनाने वाले हैं। अब तक की कन्नड़ फिल्म की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म होने जा रही है, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है। पर जब भी इस फिल्म आएगी तब बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देगी, क्योंकि इस फिल्म को लेकर लोगों का एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत ज्यादा है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल में रिलीज करने वाले हैं, यानी इस फिल्म को कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी सभी भाषाओं में देखने को मिलने वाली है। कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि इस फिल्म में केजीएफ चैप्टर 3 में कुछ कनेक्शन देखने को मिलने वाली है। हमें लगता है कि यश 19 फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 फिल्म में कुछ कनेक्शन जरूर होने वाली है, क्योंकि प्रशांत नील कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले प्रशांत नील डायरेक्शन में सलार फिल्म भी आने वाली है। इस फिल्म को 28 सितंबर 2023 में रिलीज करने वाले थे, पर कुछ कारण के वजह से इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब सलार फिल्म को नवंबर में रिलीज करेंगे करके सुनने में आ रहा है। चाहे जो भी हो, फाइनली रॉकिंग स्टार यश की यश 19 फिल्म आने वाली है। अब देखना यह होगा यह फिल्म कैसा होने वाली है। इस फिल्म को देखने के लिए आप लोग इतना एक्साइटेड हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर लेना। इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।